स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आईटीब है, यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। इससे उन्होंने भी नया यूट्यूब चैनल बनाया जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर सीएसईआर नेट मैथमेटिक्स स्टूडेंट, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप सीएसईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल नया वाला बहुत ही हेल्पफुल है। उसकी जो वीडियोस है वो भी आप आईटीब पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ केली हैमिल्टन थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम से पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में बता दिया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वेक्टर स्पेसेस है, डायबेसिस, डायमेंशन, रैंक, ये सब मैं आपको बताना चुका हूं, तो वो भी आप आई टेप पे जाके देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो हमेशा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का बता रखा है, वो आईटीब पे जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा है और बहुत ईजी, आप आराम से समझ सकते हैं, राइट। तो इसका स्टेटमेंट एक और होता है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एन इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज दिस। मतलब ये इसकी क्या दे रखी है आपके पास, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, देन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जहां पे लैम्डा है वहां पे अगर हम ए पुट कर दें तो ये क्या कर देता है, इसको जीरो कर देता है ना, और इससे हम यहां पे ए इनवर्स की वैल्यू भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं केली हैमिल्टन से। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम यहां पे इस थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट देखिए, यहां पे क्वेश्चन ये क्वेश्चन दे रखा है मैं यहां पे, वेरीफाई द केली हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑफ ए दिस एंड फाइंड ए इनवर्स, राइट। तो आपको यहां पे केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है एंड यहां पे आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें यहां पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में कि ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। जब भी हम यहां पे करेंगे तो यहां पे आएगा स्टूडेंट वन, पहले मैट्रिक्स निकाल लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये आएगा 1 4 2 3, है ना। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का लैम्बडा और आई मतलब 1 0 0 1, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस लैम्बडा, है ना, ये इधर जाएगा तो डायगोनल से माइनस हो जाएगा, देन 4, देन यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 3 माइनस लैम्बडा। इसमें आप क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो ए माइनस लैम्बडा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होता है स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस का 8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए आएगा आपके पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्बडा, राइट, और ये 3 और ये तो माइनस का 5, राइट। सो ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आती है ना, क्योंकि बराबर जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन के भी दे पॉलिनोमियल, राइट। आपको चेक करना है यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, तो आप इसकी चेक कर सकते हो पॉलिनोमियल सही है कि नहीं। स्टूडेंट का जो डायगोनल का सम होता है, देखो इसका जो डायगोनल का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब वो यहाँ आना चाहिए, आगे माइनस आएगा, है ना। अब यहाँ पे जो लास्ट में आता है उसका डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट देखिए कितना रहा, 3 - 8 दैट इज -5, तो ये इसका डिटर्मिनेंट होता है, राइट। तो आप मतलब ये ड्रेस का सम होता है और जो कांस्टेंट होता है वो उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, तो बिल्कुल सही है। अब बाय केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि जहां पर भी लैम्बडा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे ना। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5 और यहां आइडेंटिटी आएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए ना। अब ये वेरीफाई करना है कि यार वाकई में 0 आता है या नहीं आता। हमने केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर दी है, अब इसको वेरीफाई करना है, बिकॉज यहां बोल रहा वेरीफाई करिए, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे, इसका एलएचएस 0 के बराबर आ जाता है, मतलब थ्योरम यहां पे क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो अब पहले आपको यहां पे ए स्क्वायर और ए मतलब ए तो आपको दे रखा है, तो एक काम करते हैं अपन यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ही लेते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा कंसेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा। स्टूडेंट ए स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, ए इंटू ए होता है, और वी नो दैट ये कितना आएगा, 1 4 2 3 एंड ये आएगा आपके पास 1 4 2 3। हम जानते हैं यहाँ रो और ये कॉलम है ना, रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 2 4 8 से होगा तो ये कितना आएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। इसमें 1 4 पे आएगा तो 4 और 12, 12 और 4 कितना होगा, 16, है ना, 1 और 4 12 होगा, ठीक है। तो ये 2 एंड ये 6, इसमें कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा।
यानी 8 और 9 16 और 1 17 है। स्टूडेंट ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये उठा के यहाँ रखते, तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ इसका एल एच एस लेके चलता हूँ, राइट। स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ इसका एल एच एस लेके चलता हूँ, तो एल एच एस लेके चलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लेता हूँ एल एच एस, राइट, इसका एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या तरीका स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस का 5, राइट। स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखिए 9 16 8 एंड 17 माइनस का 4। स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 4 2 3 माइनस का 5। आइडेंटिटी हमारे पास 0 1 1 0 दे रखा है, राइट ना। यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, ये 0 1 होगा ना। इसमें क्या आएगा, 0 1 हो जाएगा, ओके 0 एंड 1 हो जाएगा, राइट। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू नल मैट्रिक मतलब जीरो मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही। तो सुनो आप आराम से यहाँ पे इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सुनो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो सुनो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आप। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको पकड़ लेंगे 9 8, फिर इस माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 4 एंड माइनस का 8। इसमें ये माइनस 4 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, देन माइनस 5 करेंगे तो ये माइनस 5 एंड माइनस का 0, है ना। फिर इस टाइप से यहाँ पे सेकंड कॉलम पकड़ लेंगे, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखी है, मुझे लगता है आई थिंक ये 16 और ये 17 है यहाँ पे, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज़। ये हमारे पास 17 है यहाँ पे एंड दिस इज 17, राइट। तो इसको 17 करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये 17 है हमारे पास, राइट। तो स्टूडेंट 17 दे रखा हमारे पास। अब चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हमारे पास ये कितना होगा स्टूडेंट, 16 होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये है हमारे पास 16 17, फिर ये माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 16 माइनस का 12। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए माइनस का 0 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब चेक करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है, ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा, मतलब किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। हेंस क्या होगा यहाँ पे, CH थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, क्लियर। आपको वेरीफाई करना है ना। अब आपको ये निकालना है, इनवर्स निकालना। तो स्टूडेंट इनवर्स कैसे निकालते, ध्यान दीजिए, जब भी इनवर्स का कांसेप्ट पूछा जाए तो कैसे करेंगे, देखो फाइंड ए इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है मतलब वो आपको लेनी पड़ेगी और उससे हम यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास ले रखी है कि कैली मिल्टन थ्योरम से आप देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 होता है, हमने ये बोला भी ये सेटिस्फाई होता है, राइट। इसको लेके चलिए, सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम a इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी ऐसा होता है तो जो भी इक्वेशन कैली मिल्टन थ्योरम से सेटिस्फाई है उसको पकड़ लीजिए और उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो हम क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a माइनस 4 आइडेंटिटी माइनस 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हम यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी, राइट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए इनवर्स। तो इससे 5a इनवर्स को उधर ले लीजिए, तो सुनिए 5a इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा a माइनस 4i, राइट। सो a इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/5 a माइनस 4i। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स की वैल्यू रख लीजिए आप, तो सुनिए a इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये 1/5, राइट। और हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है वो पकड़ लीजिए आप, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है मैट्रिक्स देख लीजिए हमारे पास कितनी है, मैट्रिक्स जो हमारे पास दे रखी है वो ले लेंगे 1 4 2 3 दे रखी है ना, राइट। मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखी है, 1 4 2 3 दे रखी है ना, 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 उठा के रख दीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 4 2 3, राइट। तो 1 4 2 3 रखिए आप, है ना। तो सुनिए मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो सुनिए यहाँ पे मैं करूँगा, मैं ये आएगा 1 4 2 3 माइनस का 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी, 1 0 0 1 है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5। आप चेक करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 पहली लाइन पकड़ लीजिए और ये माइनस 4 से और ये माइनस 0, स्टूडेंट इसको माइनस 4 से 0 हो जाएगा, राइट। फिर दूसरी लाइन पकड़ लीजिए 4 3, फिर ये आएगा माइनस 0 और माइनस का 4, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, 1/5, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस 3 2 और ये आएगा 4 एंड माइनस 1। सो ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका इनवर्स सही है नहीं, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि 3/3 मैट्रिक्स का और 2/2 का मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स निकालना शॉर्ट ट्रिक सिखाया, तो यहाँ पे आई टेब है, यहाँ पे जाके शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका अगर आपको इनवर्स निकालना है शॉर्ट ट्रिक से तो कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 4 2 3, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, इसका जो ए इनवर्स होता है इसको निकालने का तरीका ये होता है कि इसको इंटरचेंज कर दीजिए, 3 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 एंड माइनस 4, और बाकी यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट कितना आएगा, 3 माइनस 5 4 माइनस 8, तो माइनस का 5।
तो सुनिए आएगा 1/-5, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, माइनस अंदर ले लीजिए आप, तो जैसे ही माइनस को आप अंदर लेंगे तो सुनिए आएगा 1/5, है ना। ये हमारे पास आएगा 3 - 4 एंड 2 - 1, और यही हमारे पास क्या रहा है, आंसर है, राइट। तो आप आईटी पे जाके समझ लीजिए कैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखा रखा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स ए 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, देन वेरीफाई द केली-मिल्टन थ्योरम, हेंस फाइंड ए इनवर्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको यहाँ पे एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, प्लस आपको ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको थ्योरम को वेरीफाई करना तो आपको इन सब की वैल्यू का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आएगा हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई। स्टूडेंट यहाँ पे जो आई टेब है यहाँ पे जाके आप एक बार आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत अच्छा समझा रखा है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लस मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालने की, ये आएगा 1 - λ 0 2 0 2 - λ 1 and 2 0 and 3 - λ। इसमें बराबर 0 पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। पहले 0 मत पुट करें, पहले आपकी इक्वेशन निकाल दीजिए फिर बात करेंगे, है ना। पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते, राइट। तो ये स्टूडेंट 1 - λ, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 - λ (3 - λ), और ये तो 0 हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं इसका, राइट। ये 0 है मतलब नहीं इसका, प्लस 2 ले लेंगे हम यहाँ पे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा 0 - 2 (2 - λ), क्लियर है। इसमें ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 - λ, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा λ² - 5λ + 6 आएगा, है ना। और स्टूडेंट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -4 (2 - λ), क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये करेंगे तो λ² - 5λ + 6 आएगा, -λ³ + 5λ² - 6λ, एंड ये आएगा -8 + 4λ, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा -λ³, और λ² हमारे पास कितना रहा स्टूडेंट, 6 आ रहा, राइट। ये आएगा 6λ², राइट। और 5λ हमारे पास कितना रहा है, 5 और 6 6 और 5 11 11 में से 4 गया तो 7λ, राइट। तो -7λ आ जाएगा यहाँ पे, और स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा 8 और 6, तो ये -2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। λ³ - +6λ², है ना, 6λ² आ जाएगा, देन -7λ, है ना। दिस इज यही आएगा आपके पास। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आएगा λ³ - 6λ² + 7λ - जीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है तो इक्वेशन बना देंगे हम इसको। तो ये हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो λ³ - 6λ² + 7λ + 2 = 0, राइट। बराबर 0 पुट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, केली-मिल्टन थ्योरम लगाएंगे। अब केली-मिल्टन थ्योरम क्या बोलती है स्टूडेंट यहाँ पे, कि जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको मैट्रिक्स क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो बाय केली-मिल्टन थ्योरम या बाय CH थ्योरम लिख देते हम, है ना। क्या हुआ CH थ्योरम, यहाँ पे क्या आएगा ये स्टूडेंट, a³ - 6a² + 7a + 2 = 0, मतलब ये हमारे पास 0 होगा। तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू पता करनी है, राइट। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू पता करने के लिए हम एक बार यहाँ पे कंसेप्ट लगा लेते हैं कि ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ना। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं और इसका कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, ना। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, मैं इसको यहाँ पे खींच लेता हूँ लाइन, है ना। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स भी है हमारे पास लिखी हुई। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे ना स्टूडेंट, ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते, क्लियर। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, a * a होगा। और हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ध्यान दीजिए, 1 0 2 and 0 2 1 and ये आएगा हमारे पास 2 0 3। इस टाइम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 2 1 and 2 0 3 हो जाएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 1 and 4 5 आ जाएगा। इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 0, आई थिंक 0 आएगा ये। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 and 6 8 आएगा। इसमें जब इसको वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 0, और ये भी 0 और ये 2 आ जाएगा। इसमें इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 4, आई थिंक 4 आ रहा है ये। इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 2 and 3 5। इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 0 and 6, तो 8 आएगा। इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ये, है ना। इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 4 और 9 आई थिंक 4 और 9 13, है ना।
तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसी तरीके से हम ए स्क्वायर और ए क्यूब की निकालेंगे, तो ए इंटू ए स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर ए क्यूब आ गया, अब हमें थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हमारे पास गिवन है, है ना। लाइक हमारे पास दे रखा था ये, हमने यहाँ पे करेक्टर्स इक्वेशन निकाली, फिर हमने यहाँ पे ये लेमड़ा से लेमड़ा की जगह ए पुट करके सी एच इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। अब हमें वेरीफाई करना है कि केली मिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, सो बाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे। तो सुन एल एच एस पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एल एच एस क्या आएगा ध्यान दीजिए, सो एल एच एस पकड़ते हैं हम लोग, एल एच एस कितना दे रखा आपको यहाँ पे, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस का सेवन है प्लस का टू, और यह आइडेंटिटी हो जाता है ये, है ना। तो टू आई हो जाएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट ए क्यूब की, अभी हमने वैल्यू निकाली तो ए क्यूब की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी स्टूडेंट, वहाँ लिखा हुआ है तो 21, 12 and 34, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ये आया था 080 एंड ये आया था हमारे पास 34, 23 and 55, है ना। देन हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आया था ये 5 एंड हमारे पास आया था 28040 एंड ये आया था हमारे पास 5813। देन इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू निकाली थी हमने, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नहीं था अल्टीमेटली, ए तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, तो ये आएगा 102 देन 020 देन सॉरी 1 है यहाँ पे 021 है ये, तो 1 ले लीजिए यहाँ पे 1 आएगा। देन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू 203 राइट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का 2, है ना। तो प्लस का 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 100010 and 001 राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, राइट। तो सुनो आप चेक करेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सुनिए आएगा 21, 12 and 34, फर्स्ट लाइन पकड़ लीजिए फिर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 30 माइनस का 12 और माइनस का 48, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिए आएगा प्लस का 7 प्लस का 0 प्लस का 14 राइट, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिए आएगा प्लस का 2 प्लस का 0 एंड प्लस का 0 राइट। देखो आप सब 0 हो रहा है यहाँ पे, 7 और 2 और 21 सब 0 हो रहा है राइट। स्टूडेंट इसको पकड़ेंगे हम 080 देन इसको मारेंगे तो ये 0 माइनस का 24 माइनस का 0 देन आएगा प्लस का 0 प्लस का 14, है ना। इसमें सेकेंड लाइन से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट एंड प्लस का 0 देन इसमें आएगा प्लस का 0 प्लस का 2 एंड प्लस का 0, फिर इसको लाइन को पकड़ेंगे हम तो इसमें कितना आएगा 34 हमारे पास दे रखा है 23 and 55, देन आएगा माइनस का 5 चंग 30 8 चंग 48 एंड 78 आई थिंक 78 आएगा राइट। तो ये माइनस का 78 आएगा राइट। सुनिए आएगा हमारे पास प्लस का 14 राइट प्लस का 7 एंड प्लस का 21 एंड देन स्टूडेंट आएगा 0 एंड प्लस का 2 राइट। इन सब की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो स्टूडेंट आप देख रहे हो ये सब क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, इसको भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, स्टूडेंट ये भी देखेंगे तो पूरा 0 आ रहा है हमारे पास, 14 और 2 हमारे पास होता है 8, 10, 24, ये भी 0 आ रहा है स्टूडेंट। आप चेक करेंगे तो वैसे ही 0 हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये कितना आ रहा है 30 and 34, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक हो रही है, 34 30 आ रहा है एंड 14 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है ना, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है स्टूडेंट, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ये 8 और 5 गलत दे रखा है स्टूडेंट, ये 5 और 8 है, तो ये प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे 5 है राइट। तो लास्ट वाला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेक्शन आएगा, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन है तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज देर इज़ अ करेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 34, 23 and 55 माइनस ये आएगा 48 राइट। स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 30, सो ये आएगा 73 78 राइट। स्टूडेंट ये आएगा हमारे प्लस प्लस का 14 राइट, देन प्लस का 7 देन ये आएगा प्लस का 21, स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास प्लस का 0 प्लस का 0 एंड प्लस का 2 राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, चेक करेंगे देखो ये तो 0 हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी 0 हो रहा है हमारे पास, इसको चेक करेंगे तो ये भी 0 हो रहा है हमारे पास, इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 आएगा राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या रहा है, ये 0 मैट्रिक्स आ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम केली मिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था बिकॉज यहाँ पे ये 8 और 5 था और मैंने शायद वहाँ पे 8 और 5 ही लिखा हुआ, यस 8 और 5 ही है, मैंने 58 लिख दिया, दैट्स व्हाई देयर इज अ करेक्शन राइट। सो प्लीज करेक्ट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ए इनवर्स निकालने की। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कभी कभी आपको ए इनवर्स निकालना पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, फाइंड ए इनवर्स। तो जब भी ए इनवर्स पूछा जाता तो हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जो भी हमारे पास इक्वेशन पहले वो इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या दे रखी है स्टूडेंट हमारे पास, इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, जो भी हमारे पास इक्वेशन थी वो दे रखी थी यहाँ पे, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर
प्लस का 7a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 7 आइडेंटिटी प्लस का 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास 2a इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 7i। इस सुनिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2 माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 7i। इस सुनिए, सबकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो देखो कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो a इनवर्स निकाल लेते हैं सुनिए यहाँ पे। तो a इनवर्स की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है तो इसको थोड़ा सा वाइट कलर लेता हूँ मैं, है ना। तो माइनस का ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर के आगे माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो माइनस हमारे पास क्या आएगा, ये 21 एंड सॉरी 5 है यहाँ पे इनवर्स के लिए, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 5280040, देन आएगा 8513, राइट। प्लस का 6a, ए हमारे पास क्या दे रखा है, 102 एंड देन रखा है 020, देन हमारे पास दे रखा है 21 एंड 3, राइट। माइनस का 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 100010 एंड 001 हो जाएगा, राइट। एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, को मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद कर देंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये माइनस का 5 माइनस का 2 एंड माइनस का 8 हो जाएगा, देन इसको करेंगे तो ये प्लस का 6 प्लस का 0 प्लस का 12 हो जाएगा। स्टूडेंट्स को करेंगे तो माइनस का 7 माइनस का 0 माइनस का 0 हो जाएगा, तीन ही होगा माइनस का 0 माइनस का 4, 0 माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो है ना। तो सुनिए अभी क्या होगा, ये नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस का 0 प्लस का 12 एंड प्लस का 0 हो जाएगा। सुनिए आएगा प्लस का 0 माइनस का 7 प्लस का 0 हो जाएगा, देन सुनिए आएगा माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 13, देन आएगा स्टूडेंट प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस का 18, देन आएगा माइनस का 0 माइनस का 0 एंड माइनस का 7, राइट। चेक कर लीजिए आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/2, सुनिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 7 और 5 हमारे पास 12, 12 में से गया तो ये 6 आएगा माइनस का, सुनिए आएगा हमारे पास माइनस का 2, ये आएगा हमारे पास प्लस का 4, राइट। ये तो 0 ही आएगा यहाँ पे, 7 और 4 हमारे पास कितना होता है 11, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। ये तो 0 ही आएगा हमारे पास, नेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये 1 आएगा, एंड देन इसको चेक करेंगे 7 और 8 20 हो रहा है, 20 हो रहा है तो ये माइनस का 2 आएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इनवर्स आएगा, राइट। तो ए इनवर्स इस तरीके से यहाँ पे हम निकालते हैं स्टूडेंट, 2 से हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ पे आएगी माइनस का 3 0 2, ये आएगा हमारे पास माइनस का 1 1/2 एंड देन आएगा हमारे पास 2 0 एंड माइनस 1, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका इनवर्स निकालते हैं, राइट। तो स्टूडेंट इस बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद कैसे हम इस इतनी बड़ी वैल्यू निकालते हैं, तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पे इसका, स्टूडेंट वही मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा आता है तो आपको सीधा लैम्ब्डा माइनस कर देना है, तो ये आएगा 2 माइनस लैम्ब्डा 1 1 एंड देन आएगा 0 1 माइनस लैम्ब्डा 0 देन आएगा 1 1 एंड 2 माइनस लैम्ब्डा। स्टूडेंट इसके हम कैरेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दीजिए 2 माइनस लैम्ब्डा, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस लैम्ब्डा इंटू 2 माइनस लैम्ब्डा, माइनस का 0 आएगा बिकॉज ये 0 हो रहा है, माइनस का 1, स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये 0 हो रहा है, तो पूरा ही 0 हो रहा है, मतलब ही नहीं है। प्लस का हमारे पास 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो सुनिए आएगा 1 0 माइनस, है ना, तो 0 माइनस 1 माइनस लैम्ब्डा आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्ब्डा इज इक्वल टू, ये आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्ब्डा प्लस का 2 आएगा, एंड देन हमारे पास वहाँ आएगा ये प्लस 1 प्लस लैम्ब्डा आ जाएगा, है ना, सॉरी माइनस 1 आएगा, दिस इज माइनस 1, राइट, दिस इज माइनस 1, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो ये आएगा स्टूडेंट 2 लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्ब्डा, राइट, प्लस का 4 माइनस का लैम्ब्डा क्यूब प्लस का 3 लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्ब्डा, राइट, एंड माइनस का 1 प्लस का लैम्ब्डा, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको आप, ये सुनिए आएगा माइनस का लैम्ब्डा क्यूब एंड देन ये आएगा हमारे पास 5 लैम्ब्डा स्क्वायर
राइट है ना। देन स्टूडेंट आएगा हमारे पास 6 और 2 8 अंडर 7 लैम्ब्डा आ गया। देन स्टूडेंट हमारे पास आएगा 4 और 1 तो ये आएगा प्लस का 3। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा पॉलीनोमियल आएगा राइट। जब हम इसको क्या करेंगे बराबर 0 पुट करेंगे राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा लैम्ब्डा क्यूब माइनस 5 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्ब्डा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब हम क्या लिमिटिंग थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे है ना बाय सी एच थ्योरम दैट इज केली मिल्टन थ्योरम। केली मिल्टन थ्योरम क्या बोलती है जहां पर भी लैम्ब्डा वहां पर ए रख देंगे तो माइनस का 5a² प्लस का 7a माइनस का 3 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। इसमें आपको आराम से इसको कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर देखो। क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने का बोला नहीं है राइट। क्वेश्चन में वेरीफाई करने का बोला है क्या चेक कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आपको बोला है यहाँ पे वैल्यू एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस है ना। आपको सिर्फ इसकी सीधी सीधी क्या करनी है वैल्यू निकालनी राइट। तो सुनो हमें क्या करना है सीधा हमने यहाँ पे केली मिल्टन थ्योरम निकाल के हमें कर दिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जिसकी वैल्यू निकालनी वो पकड़ लेते हैं राइट। जिसकी वैल्यू निकालनी है इसकी हम पकड़ लेते हैं स्टूडेंट जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन देखा है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। सो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए राइट। तो हम क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाए तो कैसे हम करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको ये देखा है ये बाय केली मिल्टन थ्योरम हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। या तो आप क्या करो इससे डिवाइड कर दो इसको या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे देखो आप हम ये बनाना चाहते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए पावर 5 कॉमन आ रहा है देखो ए पावर 5 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का 5a² प्लस का 7a माइनस का 3 आइडेंटिटी बचा। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे बिल्कुल ये 0 बन रहा है आराम से देख सकते हो 0 हो रहा है। और यहाँ से देखो हमने ये तो इतना कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले अपन सॉरी ए कॉमन ले तो स्टूडेंट क्या होगा ये ए क्यूब माइनस का 5a² प्लस का 7a है ना एंड माइनस का 2a आइडेंटिटी को हमने अलग रख दिया राइट। सॉरी ये 8a है ना क्योंकि यहाँ पे 8a आएगा क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे ये 8 आएगा करेक्ट कर लेते अपन ये 8 आएगा क्लियर है 8a है ना ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे देखो ये तो सीधा सीधा 0 हो गया बाय द केली मिल्टन थ्योरम वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज क्या देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा राइट है ना। देन प्लस हम बात करेंगे आगे प्लस अब देखो ये ए इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करते दिया आएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस 5a² स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ इसको 7a प्लस ए है ना देन माइनस का 2a माइनस का i। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है हमारे पास लाइक इसकी जो वैल्यू है आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू राइट वो हमारे पास कितनी आएगी 3i उधर चला जाएगा तो 3i आ जाएगा राइट। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास पूरा 0 हो गया प्लस a स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3i आ जाएगी है ना प्लस a माइनस का 2a माइनस का i। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3a प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस माइनस का आई। स्टूडेंट 3a में से गया तो हमारे पास ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का आई हमारे पास आएगा राइट। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी रहा। अब इसको कैसे निकालते हैं देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे है ना। चूंकि हमें ए स्क्वायर और ए और सबकी वैल्यू चाहिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है राइट। तो आपको पहले मैट्रिक्स देखना पड़ेगा मैट्रिक्स हमारे पास क्या करनी पड़ेगी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या दे रखी है ध्यान दीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 1 1 and 0 1 0 and 1 1 2। तो इसमें सबसे पहले हम इसका ए स्क्वायर निकाल लेते हैं वी नो दैट क्या आएगा इसका ए इंटू ए आएगा है ना। और जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 1 1 0 1 0 and 1 1 2 आएगा देन ये आएगा हमारे पास 2 1 1 0 1 0 and 1 1 2 आएगा राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और 2 4 देन ये आएगा 0 1 0 and ये आएगा 4 4 5 ये हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट इन सबकी वैल्यू निकाल रखेंगे यहाँ पे चूंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट ए स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 0 4 4 1 4 and 4 0 5 राइट। प्लस का ए स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 2 1 1 0 1 0 and 1 1 2 एंड माइनस का आइडेंटिटी दैट इज 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 है राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी देन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट देखिए आप सर स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा ध्यान दीजिए आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक देखिए आप ये आएगा हमारे पास 504 देन ये आएगा हमारे पास प्लस का 201 देन स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस का 0 मतलब नहीं 0 माइनस प्लस देखो देन 414 देन स्टूडेंट आएगा हमारे पास प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 देन स्टूडेंट माइनस का 0 माइनस का 1 माइनस का 0 देन स्टूडेंट आएगा हमारे पास 405
देन आएगा स्टूडेंट प्लस का वन, प्लस का जीरो, प्लस का टू, देन आएगा स्टूडेंट माइनस का जीरो एंड माइनस का वन, राइट। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो ये आएगा पाँच और दो सात, सात में से गया तो छः, जीरो एंड स्टूडेंट आएगा हमारे पास फाइव, देन आप चेक करेंगे तो आएगा फाइव, देन आएगा वन, देन आएगा हमारे पास फाइव, देन स्टूडेंट आएगा हमारे पास फाइव, जीरो एंड सिक्स, है ना। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो इस तरीके से हम कैली मिल्टन थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कैली मिल्टन पे जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द कैली मिल्टन थ्योरम एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स, राइट। कभी कभी ए इनवर्स की जगह कुछ और पावर भी पूछ ले, तो इजीली हम इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको बहुत ही हेल्प कर रहा होगा, और अब जो नेक्स्ट लेने वाला वो डायगोनलाइजेशन है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और लास्ट में मेरे वीडियोस हैं स्टूडेंट, ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो है जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड फॉर सीएसआईआर नेट अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये मेरे लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस पे वीडियोस है जो मैं आपको अभी बढ़ा रहा हूँ, राइट। और ये दोनों मेरे चैनल, ये मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये मेरा अभी चैनल है जिस पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। और ये मैंने जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ये कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।